So hello friends, my name is Shobhik aur aap dekh rahe 1 million gadgets and happy independence day to all my lovely friends. Aur ha, is channel pe main kareeb 4 mahine baad video upload kar raha hu aur bhi independence day pe. Aur video ke main content se pehle thoda sa baat chit kar le to fir ek aur 2 minute baad main video ke content pe aata hu. तो मैंने YouTube पे वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि YouTube पार्टनर प्रोग्राम 2018 के अनुसार मुझे 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर वॉच आवर मुझे कंप्लीट करना था एंड ये दोनों ही रिक्वायरमेंट मैंने पूरा कर नहीं पाया था सो YouTube ने मेरे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया था बट एनीवे मैंने ये सब रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया था बट YouTube ने मेरे चैनल को रिव्यू करने में कम से कम 3 महीना लगा दिया 3 महीना लगा दिया YouTube ने मेरे चैनल को रिव्यू करने में बट फिलहाल सब ठीक है अब चैनल भी मोनेटाइज हो गया है एंड मेरा लास्ट एक मंथ तक एग्जाम चल रहा था उसी कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ये सेकंड रीज़न है तो फिलहाल मेरा एग्जाम भी ख़त्म हो गया है और चैनल भी मोनेटाइज हो गया है एकदम सब ठीक है अब हफ्ते में 1, 2, 3, 4 और 5 वीडियो तो आएगा ही तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी दबा लो आपको बहुत ही अच्छा वीडियोज़ मिलेगा इस चैनल में एंड एक अपडेट देना चाहता हूँ आप लोगों को मैं पहले वीडियो इंग्लिश पे बनाता था अब मैं वीडियो हिंदी पे बनाऊंगा क्योंकि इंडिया में हिंदी कंटेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एंड हिंदी कंटेंट ही ज़्यादा लोग प्रेफर करता है हाँ इंग्लिश पे भी बहुत ही अच्छा चैनल है लाइक गी किरणजीत सी फॉर इटेक आइगन सब मिलियन सब्सक्राइबर है बट एनीवे इंग्लिश वीडियो तो चलता ही है बट हिंदी वीडियो अब ज़्यादा पॉपुलर हो गया है टेक्निकल गुरुजी सामाजिक टेक्निकल एंड बहुत सारा हिंदी चैनल भी इंडिया में ग्रो कर रहा है बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है सो मैं भी कंटेंट अब हिंदी पे ही बनाऊंगा बट एक प्रॉब्लम है मेरा हिंदी उतना शुद्ध नहीं है क्योंकि मैं बंगाली हूँ एंड बंगाली का यही प्रॉब्लम होता है मतलब हिंदी उतना शुद्ध नहीं होता है प्रोनाउंसिएशन और कभी कभार वर्ड भी स्लिप ऑफ टंग होता है बहुत सारा तो थोड़ा मैनेज कर लेना हाँ आपसे वीडियो तो हिंदी पे ही आएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा और बेहतर भी हो जाएगा इन फ्यूचर सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस तो चलो अब वीडियो की मेन कंटेंट के ऊपर बात करते हैं तो मोटोरोला लॉन्च करने वाला है मोटोरोला पी सीरीज की 3 नया डिवाइस मोटो P30, P30 प्ले एंड P30 नोट तो ये मोटो पी सीरीज एकदम नया सीरीज है इससे पहले हमने सुना था मोटो ई मोटो जी एंड मोटो जेड बट ये सीरीज मतलब ये पी सीरीज एकदम नया सीरीज है और शायद मोटो इस सीरीज में बजट रेंज एंड मिड रेंज डिवाइस लॉन्च करेगा तो अगर आपको बजट रेंज एंड मिड रेंज में कोई भी डिवाइस खरीदना है तो इस वीडियो को देख लो फिर आप डिसाइड करो कि आपको कोई और ब्रांड का और पी सीरीज का डिवाइस खरीदना है इन बजट रेंज एंड इन मिड रेंज तो चलो फटाफट डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं डिवाइस के बैक साइड में आपको ग्लास फिनिश देखने को मिलेगा और इसका 2 वेरिएंट मिलेगा एक व्हाइट और एक पर्पल एंड ब्लू कलर ग्रेडिंग के साथ और बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा एंड जो कैमरा लेआउट होगा वो होगा वर्टिकल कैमरा लेआउट एंड फ्रंट साइड पे आपको नॉच देखने को मिलेगा जो डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो होगा और 19:9 एस्पेक्ट रेशियो का एंड डिस्प्ले साइज होगा 6.2 इंच का 2.5D कार्ब्ड ग्लास एंड ऑब्वियसली डिस्प्ले में आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा अभी तक प्रोसेसर के मामले में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है बट जो लीक्स के अनुसार बताया जा रहा है यहाँ पर आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा और जो प्रोसेसर रहेगा वो होगा स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का इस डिवाइस का आपका 2 वेरिएंट मिलेगा एक होगा 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज बैक साइड पे आपको 16MP एंड सेकेंडरी 5MP का कैमरा देखने को मिलेगा एंड इसका जो अपर्चर साइज है वो है 1.8 अपर्चर एंड फ्रंट साइड पे आपको देखने को मिलेगा 12MP का फ्रंट कैमरा एंड कैमरा में आपको कुछ अनोखा फीचर्स भी मिलेगा लाइक AI, AR मोड पोर्ट्रेट मोड सीन रिकॉग्निशन मोड एंड एक चीज बहुत अच्छा है यहाँ पर आपको AI मिल रहा है सो डेफिनेटली आपका पिक्चर बहुत ही इंप्रूव होगा एंड आपको AR सपोर्ट भी मिल रहा है सो आप डिफरेंट AR स्टिकर्स को भी अप्लाई कर पाओगे कुछ लीक्स के अनुसार बताया जा रहा है कि इस डिवाइस में 5000mAh का बैटरी हो सकता है बट ज़्यादातर लीक्स के अनुसार बताया जा रहा है कि इस डिवाइस में 3000mAh का बैटरी हो सकता है सो यहाँ पर 3000mAh बैटरी होने का चांसेस ही ज़्यादा है एंड एक अच्छा बात है इस डिवाइस के साथ आपको एक फर्स्ट चार्जर भी मिलेगा एंड जो चार्जर का आउटपुट है वो है 18W तो चलो दोस्तों इस डिवाइस के बारे में मैं कुछ अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ तो इस डिवाइस का जो लुक्स है आई मीन जो इसका जो व्हाइट कलर वेरियंट है मतलब 2018 में तो एक ट्रेंड सा ही बन गया है मतलब वो आईफोन जैसा नॉच रखना है पीछे वर्टिकल कैमरा लेआउट रखना है वो ग्लास बैक रखना है एंड इसका जो व्हाइट वेरिएंट है आईफोन 10 जैसा 80% मिलता है ठीक है कोई बात नहीं
लुक्स वाइज बहुत अच्छा लगता है ये, एंड अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल जाए तो थम्स अप। इसका जो कलरफुल वाला वेरियंट है, आई मीन जो पर्पल एंड ब्लू का जो मिक्सचर है, ये वाला डिवाइस थोड़ा सा हुआवे का P20 जैसा मिलता है, इवन लिनोवो का खुद का ही डिवाइस Z5 जैसा दिखता है ये। बट ये डिवाइस आईफोन से एक मामले में अच्छा है, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, इवन यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी मिलेगा। और यहाँ पर और एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर का जो कैमरा अपर्चर दिया गया है वो है 1.8 अपर्चर, एंड इससे एक्सपेक्ट किया जाता है इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस होगा और डेफिनेटली अच्छा होगा। अब ओवरऑल सब डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, इवन MIA2 का भी 1.8 अपर्चर है, उसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। फिलहाल तो डिवाइस चाइना पे लॉन्च हुआ है, सितंबर में इसका सेल भी स्टार्ट हो जाएगा, बट इंडिया में कब आएगा और किस प्राइस पॉइंट पे आएगा उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। लिनोवो ने अभी खुद का एक डिवाइस लॉन्च किया है Z5, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बट उस डिवाइस को भी लिनोवो ने इंडिया पे नहीं लाया है, एंड मोटोरोला को भी कब लाएगा और किस प्राइस पे लाएगा उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है अभी तक। एंड लिनोवो और मोटोरोला का हालत एकदम सेम है, मतलब नोकिया की तरफ ही सेम है, वो लोग चाइना पे डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं बट इंडिया पे डिवाइस नहीं ला रहा है। अब सही टाइम पे और सही प्राइस पे नहीं लाएगा डिवाइस तो वहाँ पर शाओमी है, वहाँ पर एसुस है, वहाँ पर हॉनर भी है, तो वो सब मार्केट पूरा ग्रैब कर लेगा इंडिया में, और सही प्राइस पे लाना है, सही टाइम पे लाना है। पी सीरीज का डिवाइस शायद बहुत ही अच्छा डिवाइस होगा, एंड देखते हैं कब आता है इंडिया में। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डेफिनेटली बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। ऐसे ही वीडियोस आपको बहुत सारा मिलेगा इस चैनल पे, और इन फ्यूचर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आपको देखने को मिलेगा। सो टाटा फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।